बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि जो सोपोर में एक इंसिडेंट वाका आया जिसमें एक हमारी लड़की जिसका नाम सीरत था, जो बताया जाता है कि 19 साल की थी, उसने कुछ दिन पहले यहाँ एक जो यहाँ मस्जिद जामिया मस्जिद ब्रिज जो सोपोरा में है वहाँ से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। लेकिन मैं तो सोपोर के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, यो जो जितने भी लोग यहाँ पर आए और इस कारी खैर में हिस्सा ले लिया उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हम भी कंगन से आए, मतलब बहुत दिनों से नहीं, इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें पता था कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत इसमें महारत रखते हैं तो शायद हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत दिनों से हमें फ़ोन आए तो हमारे पास जो टेक्निक्स थी वो थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स थी, हमने वो भी यहाँ पर कोशिश की, लेकिन तकरीबन इस वक्त 2 के करीब बज गए, 11 बजे से हम भी लगे हुए हैं, तो कोशिश चल रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है, तो इंशाल्लाह लगता है कि इंशाल्लाह ये डेड बॉडी मिलेगी। इसमें ये ज़रूरी है कि मैंने कंगन में जो मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी है जो मतलब 15 दिन के बाद मिली, 10 दिन के बाद मिली, कुछ 40 दिन के बाद भी डेड बॉडीज़ मिली, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। हमारी ये कोशिश है, हर एक की कोशिश है, जो भी लोग यहाँ पर काम करें उन सब की कोशिश है, हमारी भी कोशिश है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इंशाल्लाह ये डेड बॉडी मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, परसों, लेकिन इंशाल्लाह मिलेगी ज़रूर। देखिए यहाँ जो है ये थोड़ा पानी जो है ये स्टैग है, मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है, बताया जाता है कि ये बहुत गहरा भी है, लेकिन एक बदनसीबी है कि जो आज विंटर चल रहा है, अगर आज समर होता तो समर में एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते थे कि हम बहुत गहराई तक जा सकते थे, जो मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है हम पानी में बहुत गहराई तक जा सकते हैं, यहाँ के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन बदनसीबी है कि बहुत ठंडा है, चले कलान सब चल रहा है, -5 आज नाइट को था, तो पानी में मतलब जाना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन जो आपने जो मेरा मतलब ये जो तजुर्बा मुझे बता रहा है, आप जो ऊपर से फ्लो आ रहा है पानी का, यहाँ पानी थोड़ा स्लो चल रहा है, जो मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि डेड बॉडी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, डेड बॉडी यहाँ ही कहीं किसी चीज़ से फंसी हुई होगी, क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा जितने भी यहाँ कोशिशें हो रही है तकरीबन 10-20 के यहाँ करीब यहाँ बोर्ड से भी लगी थी और SDRF के बंदे भी लगे थे, यहाँ खाली इसमें से जो कपड़े बाहर आ रहे हैं, जितनी भी गंदगी है वो सारे नाले सिंध में है, तो सारी गंदगी इसमें है, तो मुझे लगता है मतलब हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि नाले सिंध को हमें साफ रखना चाहिए, और सॉरी जहलम को साफ रखना चाहिए, मैं नाला सिंध के साथ हूँ, जहलम को हमें साफ रखना चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश साथ साथ ये रखेंगे कि जो सीरत की डेड बॉडी है वो ज़रूर और ज़रूर मिले। Кадилур набор.